So let us see the first sections, complex number. So first of all, let us see its introductions and some motivations behind this. So हमने 10th क्लास में देखा है कि जो इक्वेशन हमने पढ़ी हैं उनका रियल्स नंबर में सॉल्यूशंस मिलता है. बहुत सारी इक्वेशन ऐसी हैं जिनका जो रियल नंबर में सॉल्यूशंस जो है उनके जो रूट्स जो है रियल नंबर पे लाइज करते हैं, लेकिन स्टिल वी हैव अ इक्वेशन लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ तो इस इक्वेशन का जो है वो रियल सॉल्यूशन नहीं मिलता है. तो इस टाइप की जो सिचुएशन जब हमारे पास अराइज होती है मैथमेटिक्स में कि बहुत सारी क्वेश्चन ऐसी जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो उनका सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर्स में नहीं मिलता. अब कोई भी मेरे पास ऐसा रियल नंबर्स नहीं है जो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास इक्वेशनें मिल जाएंगी जिनका इस वे से जो है वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है. तो इस टाइप की सिचुएशनों को अवॉइड करने के लिए हम लोग रियल नंबर्स को, जो रियल नंबर सिस्टम है उसको और बड़ा करते हैं और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. और अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो नंबर्स होंगे हम लोग इस वे से लिखेंगे उसको, x प्लस एटा वाई. नाउ हेयर एटा जो है दैट इज द स्केयर रूट ऑफ माइनस वन. तो माइनस वन का स्केयर रूट जो होता है उसको एटा डिनोट करते हैं. और अब हम लोग जो नंबर्स होंगे उनको कैसे डिनोट करेंगे, x प्लस एटा वाई. तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. अब ऐसे ही हमने इस सिस्टम को बड़ा किया तो अब इस टाइप की क्वेश्चनों को भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो. तो इस तरह की अब जो इक्वेशन है ये सॉल्वेबल हो जाएंगी. सो दैट इज वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम हियर. तो हमने अपने जो रियल नंबर सिस्टम था उसको और बड़ा कर लिया है. तो अब हमारे पास जो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है दैट बिकम्स अ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो लेट अस सी, इसके लिए हमने जो सिंबल यूज करेंगे दैट इज जेड and that's always represented by the x plus iota y. और यहाँ पे जो x होता है that is called the real part of, that is called the real part of complex number z, और जो y होता है that is called the imaginary part of the complex number z. तो यहाँ पे हम लोग short form में भी इसको लिख सकते हैं, that is the real part of z, real part, and that's y is the imaginary part of complex number. So इसको imaginary part बोलेंगे. So let us see next the algebra of the complex number. So if we have the two complex numbers, z1 is equal to x1 plus iota y1, z2 is equal to x plus iota y2, how we can add them, how we can subtract them, how we can multiply them. So let us see, इसको add करते हैं. तो ये add कैसे होगा, z1 plus z1, so z1 plus z2 इसको add करेंगे. तो addition कैसे होगा, इसके जो real parts हैं उनका addition होगा और imaginary parts जो होंगे वो itself में add होंगे. तो रियल पार्ट में ऐड होगा. सो दिस बिकम्स एक्स वन प्लस वाई वन, ये रियल पार्ट ऐड हो गया, प्लस योटा टाइम्स, अब मैं इसके इमेजिनरी पार्ट को ऐड करूंगा, वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस वाई टू. तो इस वे से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं. लेट अस सी सबट्रैक्शन. तो सिमिलरली इसको सबट्रैक्शन जब लिखेंगे, सो जेड वन माइनस जेड टू दैट्स इक्वल टू, तो जो जो फर्स्ट वाले रियल पार्ट में से फर्स्ट वाला रियल पार्ट माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस होगा. सो दिस बिकम द एक्स वन माइनस वाई वन प्लस एटा टाइम्स वाई वन माइनस वाई टू. सो इस वे से हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका डिफरेंस फाइंड करते हैं. लेट अस सी हाउ वी कैन मल्टीप्लाई देम. सो जेड वन को मैं जेड टू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डेट बिकम द, ध्यान से देखें, x1 वन प्लस एटा वाई वन, और मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ x2 टू प्लस एटा वाई टू. तो ये मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होगी जैसे हम लोग ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब एटा स्केयर आएगा डेट बिकम्स द, ये देखो एटा क्या होता है, माइनस वन, एंड दिस इम्प्लाइज अगर मैं इसका स्केयर करूंगा तो डेट्स इक्वल टू माइनस वन. यहां से ये भी नोट किया जा सकता है. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे योटा स्केयर आएगा दैट बिकम्स अ माइनस वन. सो लेट अस सी मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूं. दिस बिकम्स अ एक्स वन एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर एक्स वन इस सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म फर्स्ट वाली के साथ, एंड सेकंड टर्म सेकंड वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी. तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया एक्स वन. ये वैसे ही है जैसे हम लोग पिछली क्लासों में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वन इन टू एक्स टू, नेक्स्ट x1 वन एटा वाई टू, तो दिस बिकम्स अ प्लस एटा x1 वन वाई टू, नेक्स्ट एटा वाई वन एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एटा वाई वन
एक्स टू प्लस योट्टा वाई वन इंटू योट्टा वाई टू, तो योट्टा योट्टा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो योट्टा स्केयर, एंड दिस योट्टा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन, सो दिस बिकम्स अ माइनस वाई वन वाई टू। बस ये स्टेप यहाँ पे ध्यान रखें कि जब भी योट्टा योट्टा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो योट्टा स्केयर, तो दैट बिकम्स अ माइनस वन। सो अब मैं इसको रियल एंड इमेजिनरी अलग करता हूँ, सो ये बिना योट्टा का और ये बिना योट्टा के टर्म्स है, इनको कंबाइन करते हैं, तो एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस योटा, अब योटा वाली टर्म्स को लिखेंगे तो हेयर इट इज एक्स वन वाई टू, एक्स वन वाई टू और सेकेंड यहां से प्लस वाई वन एक्स टू। सो इस वजह से हम लोग जो कोई भी टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा टाइम्स y, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इस कॉन्जुगेट, तो इसके कॉन्जुगेट को ऊपर बार लगा के हम लोग डिनोट करेंगे, तो z बार दैट इज अ z कॉन्जुगेट, तो दैट बिकम्स अ इस योटा को माइनस योटा में चेंज करें, तो अगर मुझे x प्लस योटा वाई इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, सो दैट बिकम्स अ एक्स माइनस योटा वाई। तो वेरी सिंपल, आप लोग योटा को क्या किस में चेंज करें, माइनस योटा में चेंज कर दो। सो लेट अस सी एग्जांपल, अब इस जेड का अगर मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो दैट्स इक्वल टू टू माइनस थ्री टाइम्स योटा, एक्स इसका कॉन्जुगेट माइनस फाइव योटा, एक्स इसका कॉन्जुगेट, नाउ हेयर इज नो योटा क्योंकि मुझे योटा को माइनस योटा चेंज करना है, यहाँ पे योटा नहीं है, सो वी कैन राइट इज जस्ट लाइक फोर प्लस जीरो योटा। तो अगर मैं इसको कॉन्जुगेट करता हूँ फोर माइनस जीरो योटा, तो जीरो टाइम्स जीरो, सो दिस बिकम्स अ फोर। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है ये। नेक्स्ट लेट अस सी डिवीजन, सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट हेयर। सो इफ वी हैव द टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू, मैं जेड वन को जेड टू से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो एक्स वन प्लस योटा वन एक्स टू प्लस योटा वाई टू, मुझे जब भी डिवाइड करना नीचे वाली टर्म्स के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, और जब मैं मल्टीप्लाई नीचे करूंगा तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो एज टू सेटिस्फाई द रूल्स ऑफ द मैथमेटिक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया जहाँ पे, तो मल्टीप्लाई एक्स टू माइनस योटा वाई टू कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, एक्स टू माइनस योटा टाइम y2, तो ये मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया। लेट अस हाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय सिंपल रूल, तो ये x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x1 x2, नेक्स्ट x1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x1 y2 योटा, नेक्स्ट ये योटा y1 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y1 x2 योटा, नेक्स्ट योटा y1 माइनस योटा y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, योटा जब माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा योटा इंटू योटा, दैट्स योटा स्क्वायर, दैट इज माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, सो दिस बिकम्स द प्लस y1 y2। सो ये हमने ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज x प्लस योटा वाई टू एक्स टू माइनस योटा वाई टू, दैट्स इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्केयर, सो एक्स टू का स्केयर माइनस योटा वाई टू का स्केयर, तो योटा स्केयर इज माइनस वन एंड वाई स्केयर, सो माइनस वाई टू स्केयर, और ये माइनस ऑलरेडी है क्योंकि हमने क्या लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो माइनस एक ओवर आएगा तो प्लस वाई टू स्केयर। अब मैं ऊपर अलग अलग करता हूं, तो दैट्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू और बिना योटा के टर्म्स ये दिस वन प्लस वाई वन वाई टू, नेक्स्ट प्लस योटा टाइम हियर इट इज वाई वन एक्स टू एंड माइनस एक्स वन y2 डिवाइडेड बाय
एक्स टू स्केयर वाई टू स्केयर। नेक्स्ट मैं इसको ये इसके नीचे भी डिवाइड होगा और इसके नीचे भी डिवाइड होगा, सो दिस बिकम्स एक्स वन प्लस, सॉरी ये यहाँ पे इरेज करता हूँ इसको, तो एक्स वन इन टू एक्स टू, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू डिवाइडेड बाय एक्स टू स्केयर वाई टू स्केयर दिस प्लस एटा टाइम्स, नाउ दिस वन टर्म्स वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू डिवाइडेड बाय एक्स टू स्केयर वाई टू स्केयर। सो दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड द एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ए प्लस एटा टाइम्स B. Here A is a real part of this complex number and B is a complex part of this complex number. So अगर मेरे पास कोई भी complex number given है, हम लोग उसको plane के ऊपर जो है वो plot कर सकते हैं। Say let us see, मेरे पास जो plane मैंने draw किया, say this is a plane here. So that's origin here. तो ये यहां पे जीरो, दिस इज द एक्स एक्सिस, हियर दिस इज द वाई एक्सिस। मान लीजिए मुझे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मुझे गिवन है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्लॉट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ प्लेन। सो ये देखो यहां पे एक्स मैयर करेंगे, से दिस इज द पॉइंट हियर एंड अब अलोंग वाई आप ये डिस्टेंस मैयर करो जितना भी गिवन है, सो दिस इज द पॉइंट हियर, सो इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें, तो ये जो यहां पे मेरे पास तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये x प्लस योटा y रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ए प्लेन, और उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन। इस प्लेन को आर्गन प्लेन बोलेंगे जिस प्लेन के ऊपर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्लॉट। आप x एक्सिस के ऊपर अपना रियल पार्ट मैयर करें और y एक्सिस के अलोंग उतना डिस्टेंस आप लोग इमेजनरी पार्ट उसका जो है मैयर करें और उस पॉइंट को ज्वाइन करें। फर्स्ट जो है ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग रियल पार्ट उसका मैयर किया, फिर उस पॉइंट से हमने वाई एक्सिस के अलोंग अपना इमेजनरी पार्ट मैयर किया, तो वो वाला जो पॉइंट होगा दैट रिप्रेजेंट अवर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यहाँ पे ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो डिस्टेंस है एक्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे एंड दैट्स रिप्रेजेंट द वाई डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट का दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग जेड मोड डिनोट करते हैं, और ये जो एंगल्स है दैट इज नोटेड बाय थीटा दैट इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इस वे से अगर मुझे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो मैं उसको इस न्यू फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई दैट्स इक्वल टू आर एंड हेयर इट इज कॉस ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा। सो ये जो मैंने फॉर्म लिखी है इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इस वे से कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो हम लोग उसको आर्गन प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ये नंबर प्लॉट करना हो जैसे वन प्लस आयोटा, तो हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग वन डिस्टेंस मैयर करें तो तब ये वन हो जाएगा, और वाई के अलोंग वन यहाँ से मैयर करेंगे तो ये वन वन डिनोट करके ये वाला पॉइंट यहाँ पे वन प्लस आयोटा बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है दैट रिप्रेजेंट द मोड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट और द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
So let us see next how we can find the modulus of a complex number. So if we are given a complex number z is equal to x plus iota y, then x square plus y square square root is called the modulus of the complex number. So let us see for example, यहाँ पे example देखते हैं हम लोग. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 प्लस एटा देन इट्स मॉड दैट इज इट्स मॉडुलस तो 1 स्क्वायर प्लस व्हाट इज हियर y y इज 1 हियर तो 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट सो दैट बिकम्स अ स्क्वायर रूट 2 नेक्स्ट एग्जांपल 3 माइनस 3 एटा How we can find the modulus of this complex number. So what is x square 3 and what is y here minus 3. So x square 3 square plus y that is minus 3 square. So it's square root. So this is 9 plus 9 square root. So that's equal to 18 square root. And that's equal to 3 square root. Let us see one more example. Minus 1 minus square root 3 eta. So what is its mod? What is x here? Minus 1 square plus what is y? Minus 3 square root its square and whole square root. So this is equal to 1 plus square root 3 square, so that becomes a 3 here and it's square root. So this is 4 square root, that becomes a 2 here. So this is how we can find the modulus of a complex number.